चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से, रास्ता बना बना के निकलेंगे, मज़ा आएगा। ओ भाई कांटे चुभ रहा है, कांटे हैं सब यार। जाने का रास्ता भी नहीं है यार, कैसे जाएं? अरे भाई इधर से रास्ता तो नहीं लग रहा यार जाने का। इधर से जाना मुश्किल भाई, नहीं जा सकते, रास्ता बंद है, डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है, बहुत खतरनाक खाई खाई है। इधर से जाएंगे, जहाँ से आए वहीं से जाएंगे भाई, उल्टा पूरा रास्ते से। एक तो अकेले हैं, गिरेंगे कहीं फंसेंगे ना, तो कोई बचाने वाला भी नहीं है ना, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। और मुझे जाना है देखो नीचे उधर, हम यहाँ से आया हूँ, इधर से जहाँ से आए वहीं से जाएंगे। कितना भयंकर खाई है हर जगह में, देखो ऐसे ऐसे खाई है भाई, इस टाइप में अंदर क्या है पता ही नहीं, पूरा ख़तरनाक चीज़ है। इधर भी देखो थोड़ा भी पैर गया ना तो अंदर कहाँ जाए, अंदर निकल ही नहीं पाओगे आप। इस टाइप की खतरनाक है, डेंजरस है पूरा, संभल के चलना है। मेरी टोपी खसक जा रही बार बार। ओ भाई टोपी, ओ मेरी टोपी। इधर खाई और यहाँ से जाना है, यहाँ से पैर नीचे करके इसे पैर से जाना है, इधर से। इट्स वेरी डेंजरस ब्रो, साथ में कोई रहता तो उतना डर नहीं लगता कि कोई बचा लेगा, अकेले हो तो आपको एक एक कदम संभल के चलना है। सांप है कुछ तो है, कुछ है इस पत्ते के नीचे, सांप जैसा, मुझे पता नहीं क्या है, मुझे सांप जैसा दिखा। आ गए दो लोग कम से कम, अकेले कभी मत आना, नहीं ऐसे सुनसान आप डरते रह जाओगे, घूम ही नहीं पाओगे। मेरी बात अलग है, मैं थोड़ा हटके हूँ। आ गए माता जी का आखिरी दर्शन कर लेते हैं, फिर जाएंगे, पता नहीं साल भर बाद ही आएंगे, कब आना होता है। जय मंडपा माता की जय। कमाल हो गया यार, यहाँ मुर्गी कैसे है देखो, मुर्गी मुझे, ये मुर्गी खाती क्या है देखो, वो मुर्गी है यार, अकेली मुर्गी, कहाँ रहती होगी वो मुर्गी। ये तो करिश्मा भाई, मुर्गी तो मैंने पहली बार देखा यहाँ पे, इतने सालों से आ रहा हूँ यार, अब मुर्गी रहती कहाँ है। बाकी गाइस इसके ऊपर भी पहाड़ बहुत अच्छा है घूमने के लिए, मैं ऑलरेडी घूम चुका हूँ इसलिए जा रहा हूँ। 5 बज गया, कितना बजा देखता हूँ, एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, बजा कितना, 5:15 बज गया, 5:14 मुझे पहुँचने में अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पर इस वक्त कोई है नहीं, सुनसान जगह दिख रहा है पूरा, तो मैं निकल रहा हूँ।
अगर आपको ऊपर देखना ना, ऊपर क्या है, ऊपर पहाड़ है, मस्त घूमने लग मज़ा आता है। मेरा पिछला वाला ब्लॉग है लास्ट ईयर का, मंडपा देवी का, उसमें जाके आप देख सकते हो, सब दिखेगा आपको। अभी मैं जाऊँगा तो काफ़ी लेट हो जाएगा, काफ़ी वो जंगल है, जानवर भी रात को आते हैं शाम को, मैं तो निकल रहा हूँ भाई। बाकी आपको जाना तो देखो यहाँ से रास्ता है, ऐसे यहाँ से सीधा जाओगे, मस्त घूम के आ जाओ पहाड़ पर। यहाँ से कुछ ऐसा दिखता नज़ारा मंडपा देवी जी का। अभी यहाँ से हम सीधा चले जाएंगे। अभी वहाँ से मैं आ गया मंदिर जंगल में से। यार आने के बाद लगता कि कैसे मैं अकेले आ गया, यहाँ ही आ गए। जब घर पहुँचूँगा तो लगेगा रंग इतना अकेले, उतना घनघोर जंगल में अकेला कैसे गया। घर पे पहुँचने के बाद मुझे डर लगने लगता है, यार कैसे अकेला चला गया। यहाँ पे देखा कुछ नहीं लग रहा, मैं आराम से जा रहा हूँ, लेकिन घर पे पहुँचूँगा जब सोचता हूँ ना तो डर लगने लगता है अकेले। रियली में गाइस अकेले ऐसे जगहों पर नहीं आना चाहिए यार, कुछ भी हो सकता है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये मंदिर, आप दर्शन करके एक बार देखो, आपको एहसास हो जाएगा। अब थोड़ी देर आगे जाने के बाद गायब हो जाएगा रास्ता। अच्छा मेरे पास समय काफ़ी है, तो मैं अभी जिस रास्ते से आया उस रास्ते से नहीं जाऊँगा, उस रास्ते से मैं नहीं जाऊँगा, मैं एक अलग रास्ते से घुसूँगा जो कोई रास्ता ही नहीं होगा। जंगल के अंदर अंदर से रास्ता नया निकालूँगा मैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो वापस आके जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से जाऊँगा, तो एक मज़ा आने वाला है मुझे तो। ये देखो यहाँ से उतरना है, चढ़ते समय काफ़ी तकलीफ़ हुई थी मुझे, अभी उतरते समय उतर जा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। उतरते समय नहीं तकलीफ़ हो रही, आराम से उतर रहे हैं क्योंकि उतरना है। चढ़ते समय हाँ तो गर्मी बहुत थी, अभी शाम हो गया तो उतना धूप भी नहीं लग रहा है, छांव हो गया देखिए तो धूप नहीं लग रहा है। नहीं तो आते समय तो मेरा कैमरा बंद हो जा रहा था, इतनी हीट था यार, जल रहा था मेरा आँख, जलने लगा था पसीने से, पसीना टपक रहा था आँख पे तो आँख जल रहा है। देखो ऐसा निशान तो बनाया है इन्हें, ऐसा एक चूना लगाया हुआ पत्थरों पर, तो ये भी देखते देखते आप आ सकते हो। और एक झंडा, चूना झंडा देख लोगे ना तो आप आराम से आ जाओगे सुकाला पाड़ा से। ये पेड़ के नीचे एक रील बनाने जा रहा हूँ गाइस, जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे देखिए, अभी डाल दूंगा, ब्लॉग आएगा 4-5 दिन बाद। तो गाइस यहाँ से एक नया रास्ता मुझे मिला है, ये बिल्कुल नया रास्ता है, यहाँ से जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ तक जाता है रास्ता। मैं आया था एक्चुअली उधर से, लेकिन मैं जा रहा हूँ इधर से। अब ये रास्ता कहाँ तक जाता है, जहाँ तक जाएगा जाएगा, नहीं समझेगा मैं आएगा तो वापस इधर ही आना पड़ेगा मुझे। ये क्या ख़त्म हो गया, अरे इधर तो है, इधर है, इधर है, कहाँ जा रहा हूँ मैं मुझे खुद नहीं पता। इधर से जा रहे हैं, खाली खाली जगह दिख रहा है मुझे, होप इस रास्ते पे कोई मिल जाए, बस कोई जानवर नहीं मिल जाए, इंसान मिल जाए। अब हमको जाना है कहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा, एक इधर से जाएं कि इधर से जाएं कि इधर से, किधर से जाएं, इधर से कि इधर से कि इधर से, इधर से यहाँ से, इधर से आम का पेड़ नहीं दिख रहा है तो आम तोड़ता मैं, उधर से आम का पेड़ बहुत सारा दिखा था मुझे। सांस तुम बिन अधूरी है, सांस तुम बिन अधूरी है, कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है, हो। इस गाने पे मैंने एक अच्छा सा रील बनाया इंस्टाग्राम के लिए, यू कैन गो एंड वॉच। सांस तुम बिन अधूरी है, अब यहाँ से तो रास्ते बंद हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता भटकते भटकते जंगल में ही भटक जाऊँ यार। यहाँ से देखते हैं जाके इधर रास्ता है क्या, ये दिख तो यह लग रहा है रास्ता जैसा ना, ये देखो जानवर आते हैं, उनकी पोटी है कहीं, ये जानवरों का एरिया तो नहीं भाई, गलती से इधर आ गया, इधर जानवरों की पोटी बहुत दिख रहे हैं। भाई मैं किधर से आया था मुझे पता ही नहीं थी, मैं वो भी रास्ता भूल गया। कहाँ जा रहा हूँ मैं,
इधर रास्ता ही बंद है भाई। जिधर से आए तो उधर ही कोशिश करते हैं उसी रास्ते को ढूंढने का, इधर कुछ है नहीं। क्या यार, क्या उल्टा सीधा कर डिसीजन लेता हूँ मैं। जो जानवरों के पोटी दिख रहे हैं बहुत सारे, भागो। अभी किधर से आया था वो नहीं पता चल रहा है, सारे रास्ते बंद। अब धक पक करने लगा, इसलिए जो रास्ता मालूम है उसी रास्ते से जाना चाहिए। किधर से आया पता ही नहीं मुझे, सब एक ही जैसे लग रहे हैं अंदर घुसने के बाद। इधर से भी रास्ता बंद है, जिधर जा रहा हूँ उधर ही रास्ता बंद मिल रहा है यार। आया किधर से था मैं, एक यहाँ से देखते हैं, यहाँ से निकल के देखते हैं कुछ मिलता है। भाई बहुत बेकार, ऐसा काम कभी मत करो, जहाँ से आए वहीं से निकल जाया करो। यहाँ कुआं दिखा, एक पता नहीं कैसा कुआं यार।